भाई जान, ये जो है ना प्रेशर टोपी होती है, अगर ये ज़्यादा टाइट ना हो, बस नॉर्मल आपको महसूस हो, कपड़े को पकड़ के रखना है, ठीक है। और इसकी एक और पॉइंट बता रहा हूँ, तो जब दांत पीछे जाए ना, इसको हिला के चेक करना है, इसको हिला के चेक करना है, ये हिले ना। अगर ये हिलेगी ना तो तुम्हारी जो बूट है ना बहुत ऊपर होगी। और ये भी चेक करें कि इधर टच ना हो, बस जब बाबिन भरते हैं तो ऊपर ना हो, बस इतना होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा। ये भी थोड़ा और ज़्यादा है और ये सही है, इधर भी टच ना हो। और जब दांत नीचे जाए ना तो आपको ये चीज़ चेक करना है। और इसकी अगर ये सेटिंग इधर से ही होती है तो इतना ऊपर रखोगे आप, तो जो आवाज़ करती है तो इसका जो आप प्रेशर थोड़ा कम करें, ठीक है। और ये भी चेक करें, इसमें तो चाल नहीं है। और इससे नीचे चेक करें, लॉक होती है शटल की, उसमें तो नहीं अटक रही, वो भी चेक करें, ठीक है भाई जान। ये देखो लिडल में इतना गैप रखो कि लिडल जो है ना तुम्हारी 14 नंबर रखो या 16 नंबर रखो, ये सिर्फ जो है ना टच ना हो, नॉर्मल पे ले। देखो ये देखो, सिर्फ इतना गैप आना चाहिए, सिर्फ आपको महसूस होना चाहिए ये हमारी मशीन में गैप है। अगर ज़्यादा गैप देगा, तुम्हारी मशीन में ज़्यादा गैप था तो इसलिए टॉप मिस करेगी, ठीक है। ये पे पैंट है। और ये देखो, अभी देखो फोकस आ रहा है आगे, ठीक है। ये जो तुम्हारा गज ऊपर जाए 2 mm, तो ये तुम्हारी टारगेट, ये जो है ना सेंटर से नीचे, बिल्कुल सेंटर पे नहीं, ये हॉल से ऊपर, ये तुम्हारी नोट नजर आनी चाहिए, ठीक है। ये पैंट होती है लिडल जो है ना, ये जो लिडल है ना तुम्हारी, ये इससे आगे ना हो, तो इधर आप टाइमिंग बांध सकते हैं, ये रिजल्ट बिल्कुल आपको क्लियर बता रहा। और इसमें इतना गैप होना चाहिए, ठीक है, ये तुम्हारा टच ना हो, ये टाइम नहीं होती शटल की।